नरे भूला भूला जो भटकेले चेत सवेरा है भाई। राधा स्वामी सभी संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने इंसान को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए आदेश दिया, जीने का राज बताया और इस जिंदगी से पार जाने का भी हमें ढंग बताया। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको सब ज्ञान होते हुए भी, सत्संग करते हुए भी, संतों की शरण में बैठते हुए भी, वचन सुनते हुए भी अपने मन के पीछे चलने की ही आदत पड़ी हुई है। ये अपने मन से कभी आगे नहीं जाने की कोशिश करता, इसलिए ये दुखी है। अब दो शब्द यहाँ पढ़े गए, मन के ऊपर भी पढ़ा गया और गुरु की स्तुति भी गाई गई। गुरु की पहली सिफत बताई कि वह परम स्नेही है और पर हितकारी है, और उसकी और आगे सिफतें बताई हैं कि ज्ञानी ध्यानी भी नहीं उसको जान सके। इसका मतलब ये है कि वो शरीर नहीं है, गुरु जो है वो शरीर नहीं है, वो क्या है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो हमारे अंदर की जो झलक है वो है, बाकी वो गुरु और कुछ नहीं है। लोगों ने इंसान को पकड़ लिया और कहते दर्शन कर लिए बस हम पार हो गए। मुझे कुछ दिन हुए एक टेलीफोन आया, पहले तो मैसेज आया, फिर मैसेज आया कि महाराज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने लिख दिया, बेटी मैं तो सेवा में हूँ, आप टेलीफोन करिए, मेरी से बात करिए। उसका टेलीफोन आया कि मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, मुझे इतने साल हो गए नामदान लिया हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं लगता, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटी, नामदान लेने के बाद डिप्रेशन में गई, पहले सवाल ये है कि आपने नामदान लिया क्यों, क्या तकलीफ है आपको, किस लिए तुमने नामदान लिया। दुनिया तो नाम को ऐसे समझा है कि बस पता नहीं नाम ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे बताते कहते जी हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, वो भी जाती थी गुरु के पास और मुझे कहा तुम भी चलो नाम ले लो और मरते समय गुरु तुम्हें सत लोग ले जाएगा। मैंने भी नाम ले लिया, पांच नाम ले लिया। तो मैंने कहा आपको विश्वास हो गया कि पांच नाम लेने के बाद तुम सतलोक पहुंच जाओगी, और तुम तो डिप्रेशन में चली गई हो क्योंकि नाम जपती हो तेने पता नहीं लगता कि इसका मतलब क्या है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये सारा खेल जितना भी आज का गुरु मत है ये मन मत हो गया है, ये गुरु मत नहीं रहा। गुरु तो मन के आगे की बात करता है और ये पांच नाम मन के लिए हैं कि तुम्हारा मन ठहर जाए, तुम्हारी बुद्धि ठहर जाए, तुम्हारी चेतना जाग जाए और तुम्हें जिंदगी को जीने का राज मिल जाए, बस और कुछ नहीं है, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। ये पांच नाम तुम्हें सतलोक नहीं पहुंचा सकते, कोई गुरु मरते समय लेने नहीं आता। मैंने उसको कहा बेटी मैं टेलीफोन पर बात नहीं कर सकता, तुम सत्संग सुनो और फिर तुम्हें समझ लगेगी कि क्या बात है, असलियत क्या है। तो वो असलियत मैं आज आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना, कभी शब्द निकालो। सभी संतों ने कहा कबीर साहब भी आज कुछ कहना चाहते हैं आपको, वो भी सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं, पढ़िए। भजले सिर जनहार, भजले सिर जनहार, सुघर तन पाई के। अब पहली बात उन्होंने कही है, इंसान को अशरफ मखलूकात कहा गया है, इंसान को नर नरैणी दे कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि भगवान इस इंसान में अंदर रहता है, भगवान नहीं रहता,
कौन रहता है वो भी मैं बता दूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ इंसान, तुम्हें उस मालिक ने या कुदरत ने एक ऐसा अच्छा शरीर दिया है जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें सुदर्मीन जिसमें कोई कमी नहीं है। तुम्हारे शरीर एक ऐसा है जिसके मुकाबले में दुनिया का और कोई प्रकृति की उत्पत्ति नहीं है। चार तरह की उत्पत्ति है, एक कहते हैं जल में पैदा होती है, थल में पैदा होती है, जैसे उनको कहा गया है अंडज जेरज उत्पज, ऐसा ऐसा कहा गया है। चार तरह की प्राणियाँ, ये पेड़ पौधे इनमें पानी होता है, ये जीवन में नीचे है, फिर दो पाँव के चलने वाले हैं, फिर चार पाँव के चलने वाले हैं, और हम सबसे ऊपर हैं। हमारे में पांच तत्व हैं पूरे, और ये ब्रह्मांड भी पांच तत्व का बना हुआ है। हमारे में पांच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, और ये ब्रह्मांड सारा देखो इनमें क्या पांचों चीजें हैं। तो इसलिए संतों ने कह दिया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर पूर्ण है, और फिर इसमें मन है, चित्त है, बुद्ध है, और आपका अपना रूप है। पांच चार चीजें, वो 14 कला संपूर्ण तुम हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि तू पूर्ण होते हुए भी क्यों नहीं उसका भजन करता? इतना अच्छा तुम्हें तन मिला है जिसमें सब कुछ है, और केवल इंसान है जो उस मालिक को प्राप्त कर सकता है, केवल इंसान है जो अपने आप को जान सकता है, और दुनिया की कोई चीज़ अपने आप को नहीं जान सकती। और किसी ने तो जहाँ तक भी लिख दिया टू नो गॉड नो दाई सेल्फ, ईश्वर को जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो। इससे पहले और क्या कहें संत? अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक ना मानो। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई, गुरु नानक साहब ने कह दिया कि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तुम्हारे भ्रम कभी जाएंगे नहीं। मगर हमने क्या किया जहां आकर संसार में, वो कबीर साहब बताने लगे हैं कि जिस मालिक ने हमें जन्म दिया, जिस कुदरत ने हमें जन्म दिया, और ये पांच तत्व का चोला बनाकर अपनी अंश इसमें बिठा दी, तुमने उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। इस बात का निर्णय आज कबीर साहब करने लगे हैं। बोलिए। बगिले सिर जनहार सुघर तन पाई के, उसको याद कर जिसने तुम्हें सृजन किया, तुम्हारे को बनाया। किसने बनाया? तुम्हारा अपने आप को बनने में कोई हाथ है? सोचो। तो मूर्ति बना लेते हो, जैसी मर्जी सुंदर से सुंदर बना लो, क्या वो बोलेगी? कोई मूर्ति नहीं बोलती, कोई कैलेंडर नहीं बोलता, कोई मंदिर की मूर्ति नहीं बोलती, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देती। ये मालिक ने बनाया है तुम्हारा शरीर, और इसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब अंदर से मिलता है, लेकिन कभी आपने अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की, कैसे पता लगेगा? तभी तो कहते हैं कबीर साहब कि भी भजन कर ले, उसको याद कर ले जिसने तुम्हें बनाया है, कैसे बनाया उसने, आगे पढ़ो। भजिले सिर जनहारे सुघर तन पाई के, काहे रहो अचेत कहाए सर पईहो। कहते क्यों अचेत पड़ा हुआ है तू, क्यों चिंता, क्यों फिक्र नहीं करता, क्यों लापरवाही कर रहा है? तुम्हें ये दोबारा समय नहीं मिलेगा, यही कहा ना, तुम्हें ये अवसर नहीं मिलेगा, यही समय है उसको याद करने का जहाँ से तुम आए हो, यही समय है उसको याद करने का जिसने तुम्हें बनाया है। क्या क्या उसने किया तुम्हारे लिए, कबीर सब आगे कहते हैं कि तुम्हारे बनाने के लिए उसने क्या किया। बहुत बड़ा बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे कबीर साहब ने,
जिसमें उन्होंने पहला एक शब्द लिखा था, क्या था वो शब्द है, जीनी जीनी रे चदरिया। ये इतनी चदरिया सुंदर है, बहुत धीरे धीरे बहुत बारीक बारीक धागे लगा लगा कर इस चदरिया को उसने बनाया है, जिसमें ऋषियों ने लिखा कि 72,72,72,02,010 नस नाड़ियाँ हैं, 360 इसमें हड्डियाँ हैं, 72 इसमें जोड़ हैं, ऐसा लिखा है कबीर साहब ने। कैसे उन्होंने देखो अंदाज़ा लगाया होगा, आज से 600 साल पहले इतनी साइंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ लिख दिया कि तुम्हारे अंदर क्या है, लेकिन तुमने कभी परवाह ही नहीं की कि मैं क्या हूँ, कैसे बना हूँ। वो लिखते हैं, देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, आगे चलो। काहे राम अचेत काहे अवसर पइहो, फिर नहीं ऐसी देह बहुरी पाछे पछताइहो। फिर ये देह नहीं मिलेगी, ये शरीर तुम्हें नहीं मिलेगा और तू पछताएगा, अंत समय तू पछताएगा कि ओहो सब कुछ होते हुए भी मैंने तुम्हें याद नहीं किया। अंत समय इंसान पछताता है, उसका क्या फायदा, अभी पछता लो, अभी याद कर लो, अभी समय है। आदमी सोचता फिर कर लेंगे, कल को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं आज छोड़ो, ये ठीक नहीं है। एक एक पल, मैं पल नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक एक सांस हमारी जिंदगी को ले जा रहा है, इसलिए हर सांस से, तभी तो लिख दिया संतों ने, श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, ये लिखा गुरुवाणी में कि हर सांस से तुम उसको याद करो। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि हर सांस, ऐ इंसान तू इंसान की सेवा में लगा दे, तू उसी की सेवा कर रहा है, तुम सांस सांस नहीं जप सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा फकीर जी ने कहा कि दूसरों की बात छोड़ो, तुम घर में ही अपने घर वालों की ही सेवा कर लो, अपने बीवी बच्चों की ही सेवा कर लो, अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से रहो, अपने मोहल्ले में प्यार से रहो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। क्या कहा मैंने, तुम सारी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते, घर से एक शुरू करो, बाहर लंगर लगाने की क्या जरूरत है, अगर घर माँ को रोटी नहीं मिली तो क्या फायदा उस लंगर का लगाने का, क्या जागृत तक करवानी, लोगों को सोने नहीं देना रात को, क्या मिलेगा उससे, आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ लोग आपकी शिफ्ट करेंगे, हाँ बड़ा अच्छा काम किया, बहुत किया, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारी नेम फेम तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी करनी जाएगी। तुमने किया क्या, किस लिए, अपने लिए क्या किया, अपने अंतःकरण के लिए क्या किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पछतावा नहीं करना है। जब वक्त आए आराम से शरीर को उसके स्पर्द करना जहाँ से ये आया है, तभी तो कबीर साहब ने कहा, कबीर जतन से उड़ी जीव के दर देनी चदरिया, मैंने बहुत जतन से इसकी उड़ की है, मैंने तो वैसे की वैसे रख दी। संत ऐसे ही करते हैं और क्या करते हैं। परमदयाल जी महाराज ने कहा, मुझे पता है मैं अब अपने अस्तित्व में गुम हो रहा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। तो संत सीधा वहीं जाते हैं जहाँ से वो आए हैं, हम वहाँ नहीं जाते, हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमारा मन लेके जाता है, जहाँ हमारा मन जुड़ा हुआ है। इसलिए संतों ने खंडन किया मन के लेवल का, बात कह देता हूं मैं, जो काम भी तुम मन से कर रहे हो, जो पूजा पाठ, जो भी तुम धार्मिक काम, आर्थिक काम, सामाजिक काम मन से कर रहे हो, तो वो तुम्हारे मन का बंधन है, और मन का किया हुआ काम तुमने ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मन की अपनी एक सीमा है, आत्मा की अपनी सीमा है, शरीर की अपनी सीमा है, और हम तो इन तीनों सीमाओं से आगे रहने वाले हैं। जो हमारा रूप है वो सुरत रूप है, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे हम जीवन मरण से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने एक नया
एक नया पथ निकाला, एक नया रास्ता निकाला मन से बचने के लिए, वो है सिमरन, ध्यान और भजन। उसको कहते हैं सुरत शब्द योग। किसी संत ने उसको ये नहीं करा कि आप उसका भजन करो, उसको गाओ या उसका जाप करो, उससे तुम्हारा थोड़ा मानसिक सुख मिलेगा। जो असली सुख है वो तीनों से परे है, वो शरीर के सुख नहीं है, वो मन का भी सुख नहीं है, वो आत्मा का भी सुख नहीं है, वो इन तीनों से ऊपर का सुख है, जो पूर्ण शांति कहते हैं, पूर्ण शांति। और सनातन धर्म में कहा गया है ओम शांति 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 ही, ऐसा कहते हैं ना। ये तीन शांतियाँ कही गई हैं, क्योंकि जिसने भी ये श्लोक लिखा शांति शांति शांति, उसने शरीर की शांति मानी, उसने मन की शांति को मांगा और उसने आत्मा की शांति को मांगा। उसको चौथी का पता ही नहीं था, वो क्या है, वो उत्तम शांति परम शांति है। वहाँ दोबारा ना जन्म है ना मरण है, तुम अपने घर वापस लौट जाते हो। इसलिए जो दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं, एक और शब्द गाया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तीन बातें कह दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, मैं हो सकता गलत हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ। गुरु ब्रह्मा क्या है, पैदा करने वाली हस्ती। गुरु विष्णु क्या है, इसकी देखभाल करने वाली, पालन पोषण करने वाली शक्ति। और गुरु शिव क्या है, वो इसका सर्वनाश करने वाली शक्ति है। जो उपजय सो विंस है, वो विंस जाएगा। फिर आगे कहा पारब्रह्म, वो प्रकाश है, वो प्रकाश तक गया ऋषि जिसने भी ये लिखा। हम प्रकाश रूप आत्मा से हैं, हम वास्तव में प्रकाश रूप आत्मा से हैं। हमारा अपना स्वरूप ना वो शब्द रूप है ना वो प्रकाश रूप है, बल्कि ये तीनों का आधार है, इसी से सब कुछ पैदा होता है। बात मैंने बहुत ऊंची कह दी है, समझने वाले समझेंगे। तो वो शब्द है, शब्द की महिमा है। शब्दो धरती शब्दो आकाश शब्दो शब्द भया प्रकाश, वो शब्द है जिसके जिसको हमने मिलना है और जिससे मिलने के बाद हम अपने घर वापस चले जाएंगे। और वो उसको कहते संत नाम दान। ये पांच नाम वो नहीं है, वो स्वयं अपने आप में अंदर आपके चल रहा है। इसलिए मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं, आपको मन की दुनिया से आगे जाने का आदेश देता हूं। मन के पीछे मत चलो, बल्कि उस मालिक की मौज में रहने की कोशिश करो, तुम सुखी हो जाओगे। आगे बढ़ो। लख चौरासी जोन में मानुष जन्म अनूप। वो कहते हैं आप आमतौर पर धार्मिक जगत में माना गया है कि 84 लाख योनि है, और उसमें सबसे उत्तम कौन जीवन है, वो इंसान का है। पता नहीं कहाँ तक किसी ने गिनती की होगी कि वाकई 84 लाख योनि है, लिखा गया है 84 लाख योनि। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने इसका विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। संतों की योनि 84 लाख में नहीं होती। संतों की या आम इंसान की योनि क्या है, जो मन में रहते हैं उनके लिए 84 लाख हो सकती है, संत के लिए 84 लाख नहीं है। एक मानव के लिए 84 लाख नहीं है, एक इंसान के लिए 84 लाख नहीं है। वो क्या है, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने बताया, वो बता देता हूँ। 6 चक्र हमारे मन के हैं, 6 चक्र हमारे शरीर के हैं, 12 ऐसा ही है ना। शरीर हमारा 6 चक्र हैं यहाँ तक, और 6 चक्र हैं यहाँ तक, ये 12 चक्र हैं। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन सी, आँखें हैं, कान है, नाक है, मुख है, और क्या है, 5 इंद्रियाँ, कान है, आँख है, नाक है, और फिर चर्म है, ये हमारी चिमड़ी है, चिमड़ी। इसमें ये भी ये ज्ञान है। हाथ लगाओगे पता लगेगा गर्म है कि ठंडा, लगेगा ना, हाथ लगाओगे तो पता लगेगा करंट है कि नहीं है।
तो ये पांच ज्ञान इंद्रियां, फिर इसमें क्या है? दो है मन और बुद्धि, मन और बुद्धि पांच ज्ञान इंद्रियों में रहती है और ये है सात, सात हो गई, पांच दो सात, छह चक्र शरीर के, छह चक्र मन के, बारह, और ये सात बारह में घूमती है, बारह सात चौरासी। तो हमारी जो सुरत है, हम जो वश में हैं, वो मन बुद्धि के साथ मिलकर इन बारह में ही घूमती रहती है जब तक हमारा जीवन है। हम इन स्थानों का आनंद भी लेते हैं, हम इन स्थानों में जाकर दुखी भी होते हैं, सुख भी प्राप्त करते हैं, नींद भी लेते हैं, जागृत भी लेते हैं, सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, खुशी भी देखते हैं, आनंद भी लेते हैं ना कि नहीं लेते। तो ये बारह सात चौरासी लक्ष्य हैं, लाख नहीं है, लक्ष्य, लक्ष्य मीन स्थान, केंद्र। तो ये है मेरे लिए चौरासी, ये है सत्संग के लिए चौरासी। जो मनमति है, जो मन में रहकर दुनिया के कर्म कांड में फंसे हुए हैं, उनके लिए 84 लाख जोनि हो सकती है। इसलिए संत मत की बहुत बड़ी महिमा है, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग में विवेक मिलता है। कौन सा विवेक? मैं कौन हूँ, इस शरीर में क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, जहाँ कोई आपको कथा नहीं सुनाई जाती, जहाँ तुम्हारे साथ कोई त्रेता की बात नहीं हो रही, तुम्हारे साथ कोई द्वापर की बात नहीं हो रही, तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त जो तुम्हारे शरीर में घट रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और यही कबीर साहब कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो उत्तम जीवन है, इसको पहचानो कि तुम कौन हो, क्या हो, किसने तुम्हें बनाया। आगे पढ़ो। लख 84 जोन में मानुष जन्म अनूप, ताही पाई नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। क्या कहा फिर कहो। ताही पाई नर चेतत नाही, ताही पाई नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। कोई भी इस बात की चिंता नहीं करता, ना कोई राजा है चाहे कोई रंक है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई ताकतवर है चाहे कोई कमजोर है। कबीर कहता कोई परवाह नहीं करता, इतना अच्छा जन्म लेने के बाद। आगे पढ़ो। गर्भवास में रहो करो मैं भजी हो तो ही। अब वो बात करने लगे हैं कबीर साहब, तुम कहाँ से आए? माँ के गर्भ से आए, उल्टे लटके हुए थे पानी की थैली में। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी खबर गर्भवास में वो लेते थे और वहां तुम वहां पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर ले चलो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। पढ़ो यही लाइन फिर। गर्भवास में रहो कहो मैं भजी हो तो ही, मैं तुम्हारा ही नाम जपूंगा, मैं तुम्हारा ही सिमरन करूंगा, मैं तुम्हारा ही ध्यान करूंगा, मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। भजन में सब कुछ आ जाता है। मुझे आप एक बार इस जीवन से बाहर ले आओ, माँ के गर्भ से बाहर ले आओ, ये प्रार्थना की है कबीर साहब कहते हैं। अब पता नहीं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि कबीर कहता है कि वहाँ मैंने कहा मुझे ले चलो बाहर, मैं आपका भजन करूँगा। महाराज कहते मुझे तो पता नहीं इस बात का, मुझे नहीं कोई याद है। किसको याद होगा? याद तो तब होगा जब मन बनेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, वह मन ही नहीं था। क्या कहा मैंने? वहाँ केवल तुम थे, मन नहीं था। जो तुम थे, तुम तड़पे वहाँ, तुम वहाँ चिल्लाए,
कि मुझे बाहर ले चलो, मन नहीं था। मन याद करता है, दूसरी कोई चीज़ याद नहीं कर सकती है। क्या कहा मैंने? मन होता है, ये बात को नहीं बोलता। और जो चेतना है, जो चेतना है हमारी, वो इस बात को याद रखती है। तुम खुद महसूस करो, कभी कभी आप अकेले बैठे होंगे, तुम्हें कोई ऐसा ख्याल भी आएगा जो तुम्हारे मन में कभी नहीं हुआ, तुम्हारे मन ने कभी नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुमने खाया भी नहीं, फिर भी तुम्हें किसी चीज़ का एहसास होता है। वो कौन करने वाला होता है? वो तुम्हारा मन नहीं होता, तुम होते हो, मगर तुम उसके ऊपर विचार नहीं करते हो और बेप्रवाह होकर उसकी लापरवाही करते हो। इसलिए कबीर साहब की बात को समझना, या मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने जो बात कही, मैं एक बात और कह देता हूँ। डॉक्टर परशुराम होते थे आदमपुर वाले, मेरे दाता के बहुत प्रेमी थे, और दाता उनको मेल मम्मी कहा करता थे। मेल मम्मी, मेरी मेल मम्मी है ये, और वो बहुत प्यार करते थे, उनका बड़ा प्यार था। वो बाहर गए, इंग्लैंड गए, वहाँ कोई आपस में बात कर रहे थे। मैं जो बात सुनी है डॉक्टर परशुराम से, वो बात आपसे कर रहा हूँ। दोनों बैठे थे, महाराज जी और डॉक्टर परशुराम, क्योंकि प्यार बहुत था ना। तो परशुराम कहते, महाराज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ परशुराम, बोल। आप खुद ही तो कबीर हो। महाराज जी को कहते, आप ही तो कबीर हैं। ये कबीर की वाणी को और कौन खोल के बता सकता है? केवल कबीर ही बता सकता है, और किसी ने नहीं बताई। तो दाता ने कहा, परशुराम कहते, जबान बंद, ये बात दोबारा नहीं रिपीट करना। बात मेरी समझ गए? वो स्वयं आए। दाता दयाल जी ने लिखा परमदयाल फकीर जी महाराज के बारे में कि ए फकीर, मैं महात्मा बुद्ध था और तू मेरा शिष्य आनंद था, और तू ही फिर अब मेरे साथ आया है। हमारा तेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आप अंदाज़ा लगा लो, संत अपने शिष्य को हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन इन बातों को दुनिया नहीं समझती। दुनिया गुरु को आदमी समझती है, वो आदमी नहीं होता है, वो अवतार लेकर आता है। और इसलिए मेरे सदगुरु कभी कभी कहा करते थे इस स्टेज से, मैं अनामी धाम से आया हूँ, वहाँ से मैं एक मिशन लेकर आया हूँ, मेरा मिशन है। और फिर कह देते थे, मैं ही नहीं, तुम भी अनामी धाम से आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, इसलिए तुम मन के पीछे लगकर भटके हुए हो। क्या कहा मैंने? आप आओ, सत्संग में आए हो, बात को समझने की कोशिश करो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो हार्दिक दिल से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि उसमें स्नेह होता है, उसमें हित होता है, उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। तो हित कहता है कि तुम सुखी हो जाओ, हित कहता है कि तुम भी मन से आगे जाने की कोशिश करो, और हित कहता है कि तुम उसको पहचानो जिसने तुम्हारी देखभाल की। क्या कहा? आगे पढ़ो। चरण ध्यान लगाई के रहो नाम लो लाए, चरण ध्यान लगाई के रहो नाम लो लाए। मैं आपके चरणों से ध्यान करूंगा और नाम का स्मरण करूंगा, लौ लगाकर। लौ कहते हैं साथ मिलकर, साथ मिलकर। बात समझ? लौ देखिए, आपने दिया जलाओ, दिए में जब जलाते हो तो उसमें आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। जहाँ से लौ निकल रही है वहाँ काला काला जगह होती है, देखी कभी आपने? शीत, आज शाम को दिया जलायो,
दिया जला के देखना, जहाँ से लाइट निकलती वहाँ काले शुरू में होता है, फिर ऊपर जाकर लाइट होती है। आपको अंधेरे से रोशनी में लाता है चिराग, सत्संग भी आपको अंधेरे से रोशनी में लाता है। और वो ये कह रहे हैं कबीर साहब, मैं जब आ जाऊंगा जन्म लेकर तो मैं तेरे चरणों से जुड़ जाऊंगा और तेरे नाम का मैं स्मरण करूंगा। कबीर साहब ने स्मरण कैसा किया वो एक अलग बात है। उन्होंने तो कह दिया साजो साधो सह समाध भले, वो कहते कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कान बंद कराए जाते हैं। उन्होंने एक ढंग बताया क्या कैसे जपा जाता है नाम, गुरु भी बताता है लेकिन यहाँ नहीं बताया जाता। अब कौन बताता है, लाइन में लग जाओ नाम मिल जाएगा, कमरे में बंद करके तुम्हें नाम मिल जाएगा। इसलिए परमदयाल जी महाराज ने कहा मेरा सत्संग ही नामदान है। कोई समझे तो सही क्या करना है, कोई नहीं समझता। आगे चलो। चरणन ध्यान लगाई के रहो नाम लौलाए, तनिक न तो ही बिसारी हो यह तन रहे कि जाए। ये श्री रहे जा ना रहे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। अब देखो कितनी ऊंची बात कह दी कबीर साहब ने कहा। क्या किया उन्होंने जीवन में ये वो जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो काम जिंदगी उनकी आप देखिए, जिंदगी उनकी जिंदगी गृहस्थ की जीवन देखिए, उनका जीवन धार्मिक जीवन देखिए, उनका उस मालिक में विश्वास देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कैसी रहनी रहते थे। जलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और उस कपड़े में ही बैठकर वो उस भजन को करते थे। बात समझ गए। ऐसे संतों ने अपने जीवन को बताया लेकिन किसी ने उनको समझने की कोशिश नहीं। गुरु नानक साहब जी महाराज को देख लो, उनका जीवन देखो, उनकी यात्राएं देखो, गुरु साहिबान की यात्राएं देखो, गुरु साहिबान की बाणी देखो। और ऋषियों ने क्या लिखा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो संस्कृत में है। वेदों का क्या पता उनमें क्या लिखा। चार वेद हैं, चार वेदों में क्या लिखा है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये हमारे जीवन के लिए है। ये ज्ञान है उनमें। कौन सा ज्ञान है? दुनिया में जीने का ज्ञान है, दुनिया में जीने का ज्ञान है और कुछ नहीं। और उनका अंत में जो सार निकाला मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने, वेद मार्ग क्या है, शिव संकल्पमस्तु, हमेशा अच्छे ख्याल रखो, ये वेदों का अंत समय की बात है। वेदों में कहा है शिव संकल्प मस्तु, और दूसरी बात कही दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, ऐसा व्यवहार करो, कभी किसी से बुरा व्यवहार मत करो। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात उसमें क्या है, सर्वे वनंतु सुखना सर्वे संतु नाम है, सबका भला हो, ये है। और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जो मैंने समझा ये तीन बातें वेदों से हमें मिलती हैं। और वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव का वर्णन किया गया है, देवताओं का वर्णन किया गया है। वहाँ कर्म कांड है, संत मत में कर्म कांड नहीं है, इसलिए संतों की शिक्षा वेदों से आगे की है। क्या कहा मैंने, वहाँ कर्म कांड है, संत मत में कोई कर्म कांड नहीं है कि ये करो वो करो, यात्रा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजा करो, तेल जलाओ, आरती करो, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए संतों का मार्ग सब अपना सकते हैं, सबके लिए है, सब प्राणियों के लिए है, सब इंसानों के लिए है, किसी विशेष इंसान का ये धर्म नहीं है, उनकी विपत्ति नहीं है कि केवल वो ही ये काम करेंगे। आगे बढ़ो। इतना क्यों करार काली गुरु बाहर की, आपने जब ये पुकार की तो उस गुरु महाराज ने आपको जन्म दे दिया, आप दुनिया में आए। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुमने वहां पुकार की कि मैं सदा आपके चरणों से लगा रहूंगा,
स्मरण करता रहूंगा, चित्त से आपकी आपको स्मरण करूंगा, प्यार करूंगा, तो फिर तुम्हें जन्म दिया गया। कबीर साहब जाने कहां तक ये सत्य है मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बारे में जानता हूं कि मुझे तो 6 साल के बाद पता चला कि दुनिया में मुझे नहीं पता था कि कोई खुदा भी है या नहीं, भगवान है या नहीं, राम है या नहीं, भगवान कृष्ण है या नहीं, क्योंकि कोई संस्कार नहीं था घर में। हमारे बुजुर्ग तो सिर्फ मालिक को मानते थे कि वो है, सुबह उसको याद किया, काम पर चले गए, खाना खाने बैठे तो उसको याद किया, खा लिया तो उसका शुक्र किया, बस काम में लग गए, ये देखा। और मुझे गुरु का संस्कार मिला कि गुरु ही सब कुछ है, और गुरु की खोज की तो मुझे गुरु मिल गया। गुरु से क्या मिला? ज्ञान मिला, अनुभव मिला, जीवन की रहस्य मिला कि जीवन है क्या और कहाँ से आया और कहाँ जाना है, ये सारा रहस्य कहाँ मिला? सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर मिला, उनके स्नेह से मिला, उनके हित से मिले, उनके आशीर्वाद से मिला, उनका मेरे प्रति जो व्यवहार था उससे मुझे मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आने के लिए कई बार कष्ट किया, केवल इसलिए कि शायद मुझे रास्ते पर लाना चाहते थे। क्या कहा मैंने, इसीलिए उन्होंने एक बार मुझे धर्मशाला जब आए तो मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा मैं तेरे पास क्यों आता हूँ तुम्हें नहीं पता नहीं। अब मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने जो मेरे लिए कष्ट किया वो शायद मेरे जीवन को बनाने के लिए किया और मुझे पार ले जाने के लिए किया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मेरे पास अब क्या है, सुबह शाम उसी का शुक्र है करना, और कोई काम नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे चलिए। इतना क्यों करार काली गुरु बार कीना, भूल गयो वह बात भयो माया या दीना। कहते तुम भूल गए हो और तुम मन के पीछे लग गए, मन की माया के पीछे लग गए, तुम माया के अधीन आ गए। मेरी बात समझ गए? पंजाबी में एक क्या था, सूरदास का शायद शब्द है, बालकपन हंस खेल गवायो, तरुण भया नारी बसकारे, ऐसा कुछ एक शब्द है, तरुण भया नारी बसकारे, युवक वयो युवती संग लागो, ऐसा एक शब्द है कबीर साहब शायद तुलसी सूरदास का कहते हैं ये शब्द है। तो फिर क्या है, जीवन सारा ऐसे बर्बाद कर दिया, इंसान ने पहचाना नहीं अपने आप को। इसका वर्णन कबीर साहब अपने शब्दों में आगे करते हैं, क्या किया इंसान ने, पढ़ो। भूली बातें ओग्र की आनी पड़ी सुधिये ते, भूल गया सारी बातें, आगे। 12 बरस बीत गया विधि खेलते फिरते अचेते, 12 साल का हो गया और खेल कूद में पड़ा हुआ है, अचेत है, सब कुछ भूल गया, दोस्तों से मित्रों से प्यार हो गया, साथियों से प्यार हो गया, बुरी संगत में चला गया, फिर क्या हुआ, अपने आप को ही भूल गया और अपने बिशन को ही भेल गया। आगे बिशयाबान समान देह जो बन मदमाते, क्या है, बिशयाबान समान विषय भोगों में पड़ गया, खाने पीने की आदत बिगड़ गई, तुम्हारी जैसी संगत हो उसकी रंगत आप में आएगी, बिल्कुल ये सत्य है। सत्संग में जाओगे संत मत की शिक्षा की मोहर लगेगी, आप दूसरे लोगों की संगत करोगे, खाने पीने वालों की संगत करोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता, बुरी संगत में जाओगे, बुरी संगत के कई रूप हैं, बहुत रूप हैं बुरी संगत के, बात समझ गए, झूठ बोलने वालों की संगत, चोरी करने वालों की संगत, शराब पीने वालों की संगत, अब ये जो नशे नुशे करने वालों की संगत, वो कहाँ लेके जाएगी आपको, तबाह कर देगी आपको, आप बच नहीं पाएंगे। तो ऐसा कबीर साहब उस समय के वर्णन कर रहे हैं कि यौवन आ गया और तुम
मस्त हो गए, उसी में मस्त हो गए। क्या करने लगे फिर आगे पढ़ो। विषया बान समान देह जो बन मद माते चलत निहारत इच्छा तमक के बोलत बाते। कहते अब चलते समय भी अपनी चाल देखता है। नौजवान को देखो ना कभी आप, अब तो नौजवान रहे ही नहीं है, क्या कहूँ मैं आपको। गलत पथ से चले गए, हमारा पहरावा बदल गया, हमारा खाना बदल गया, हमारी संगत बदल गई, हमारे संस्कार बदल गए। कहाँ संस्कार है बताइए। 12 बजे तक तो टीवी देखते हैं लोग और सुबह 9 बजे उठते हैं, जागते हैं, क्या कहूँ मैं आपको। नींद नहीं खुलती है तो उनको क्या पता लगेगा संस्कार क्या होते हैं, नहीं होते। कबीर साहब के समय में हो सकता है हालांकि हालात अच्छे हों, क्योंकि उस वक्त संगत बहुत अच्छी, संगत बहुत संत थे, हृदया बहता था संतों का। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, रैदास जी, नामदेव जी, दादू जी, पलटू जी, इसे सब संत उस समय के थे। आज भी कमी नहीं है संतों की, लेकिन आज का संत जो है वो मॉडर्न संत बन गया है, मॉडर्न संत बन गया है, अपने सुख को ज़्यादा देखता है। पब्लिक के समाज पता नहीं कितने कितने साल हो गए। मैं पूछता हूँ, तुम गुरुजी से बात की? नहीं महाराज। तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? वही डॉक्टर अच्छा होता है जिससे आपने दवाई ले ली और फिर जाकर आप तुम बताओ दवाई खाने के बाद के मुझे असर हुआ कि नहीं हुआ। वो डॉक्टर अच्छा होता है कि वो डॉक्टर क्या होता है, दवाई ले जाओ मुड़ के नहीं आना मेरे पास, चाहे मर जाओ चाहे जो मर्जी हो जाओ, टाइम नहीं है। वो नहीं, गुरु का ये हाल हो गया है। कितनी गिनती है गुरुओं की, कितने लोग हैं उनके पास, समय ही नहीं मिलता उनको बात करने का। तो फिर तुम बताओ आप दुखड़ा किससे बताओगे। तभी मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के टेलीफोन आते हैं, बुजुर्गों के टेलीफोन आते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के टेलीफोन आते हैं जिनको 30-30 साल हो गए सत्नाम लिए हुए, वो पहले से भी बदतर हो गए। दुख है उनको, हमने नाम लिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, क्या फ़ायदा हुआ। नाम तो वो है जो आपको सभी सुख देता है, नाम तो वो है जो तुम्हारे शरीर के अनेक विरोधी शक्तियों को बाहर कर देता है, क्या कहूँ मैं आपको। तभी तो कहा है सर्व रोग का औखद नाम, गुरु महाराज ने लिखा है, सभी रोगों का नाम ही औखधि औषधि है, सभी रोगों को दूर करता है। और सभी रोग सबसे पैदा कहाँ से होते हैं, तुम्हारे मन से पैदा होते हैं, तुम्हारा मन रोग पैदा करता है। तुम्हारे मन ने अपनी खुराक खराब कर ली, तुम्हारे मन ने प्रकृति की खुराक को बंद कर दिया, तुम्हारे मन ने अपनी रसना के पीछे लगकर गलत खाना शुरू कर दिया, तुम्हारे मन ने गलत चीज़ों को पीना शुरू कर दिया और तुम्हारे मन ने टाइम के बे टाइम खाना शुरू कर दिया, तुम्हारे मन ने समय पर अपने जीवन को कंट्रोल में नहीं रखा, तो शरीर में रोग आएगा आएगा आएगा। और नाम ऐसा है जो मन को स्थापित करता है, नाम ऐसा है जो मन को ठहराता है। इसीलिए कहा थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश सवारे। जब तुम थिर होकर बैठ जाते हो, कोई हरकत नहीं है, थिर होकर बैठ गए और अपने मन को भी ठहरा लिया और वहाँ तुम नाम का सिमरन करते हो, तो फिर क्या होता है, थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, दुष्ट भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, कोई भी पैरी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार पैदा हो गया है। जिसके अंदर प्यार है उसका दुश्मन कौन हो सकता है। प्यार करने वाला सबको प्यार से देखेगा, शत्रुता करने वाला सबको शत्रुता से देखेगा।
उसके अंदर एक भय होता है, ये भी मेरा बुरा ना कर दे, ये भी बुरा ना कर दे, ये भी बुरा है। उसकी साइकोलॉजी का सोच बदल जाता है। क्या कहा मैंने सुनील? इसलिए मन को ठीक करो। मन ठीक है तो तन भी ठीक है, मन ठीक नहीं है तो तन भी ठीक नहीं होता। मन की सोच तुम्हारे शरीर की बनाती है, मन की सोच तुम्हारे शरीर को बिगाड़ती है। मन ही तुम्हारी आँखों के देखने की दृष्टि को बदलता है, मन ही तुम्हारे सुनने के रिवाज को बदल देता है, मन ही तुम्हारे खाने पीने को बदल देता है। जब ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं तुम्हारे शरीर में बुरा परिवर्तन होगा होगा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए संतों ने सत्संग की महिमा को गाया है, जहाँ बैठकर जीने का राज मिलता है, जहाँ बैठकर इन पांच ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करने का पता चलता है। पांच इंद्रियाँ ही कर्म इंद्रियों के ऊपर हावी होती हैं, कोई कर्म इंद्री इन पांच इंद्रियों के अलावा काम नहीं करती। आँख देखती है तो हाथ उठता है, कान सुनते हैं तो शरीर कर्म करता है, जबान खाती है तो शरीर में ताकत आती है। क्या कहा मैंने? गहराई से सोचो जो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए इन पांच ज्ञान इंद्रियों को पहले नियंत्रण करो, और इन ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण करने का केवल मन है, और मन अगर कंट्रोल में आ गया तो ये इंसान की दृष्टि को भी बदल देता है, ये इंसान की सोच को भी बदल देता है, ये इंसान की रहनी को भी बदल देता है, ये इंसान को इंसान बना देता है। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब हमारा जो जीवन जीवन है उसके ऊपर एक अच्छा सा अपना नक्शा बना रहे हैं कि नौजवान तो कपड़े भी पहनता है, फिर खुशबू भी लगाता है, और फिर गलियों में झांकता है, इधर उधर झांकता फिरता है। ये लिखा है कबीर साहब ने, पढ़ो। चो चंदन लाई के पहिरे बसन रंगाए। आप कहते हैं वो चोवा सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है और फिर खुशबू लगाता है, आगे क्या कहते हैं? चोवा चंदन लाई के पहिरे बसन रंगाए, गलिया गलिया झाकी मारे, कहते बातचे फिर गलियों में घूमता है, दूसरी औरतों को देखता है। ये कहा इन्होंने। मैं आपको मैं अपनी बता देता हूँ, मैं कभी बाजार नहीं जाता, कभी नहीं। केवल जाता था तो केवल अपने काम के लिए जाता था, काम जाना, बस कोई काम हो गया जाना, नहीं तो बाजार से क्या लेना। मैं धर्मशाला में था तो मैं अकेला रहता था, बच्चे घर में आए हुए थे, कोई काम था तो स्टोव होते थे, ऐसे स्टोव उन पर रोटी बनाते थे, ऐसे स्टोव होते थे ना, अब तो खत्म हो गए, गैस ने सब कुछ मार दिया, चूल्हा भी खत्म हो गया, चिमनी भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो स्टोव की पिन खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ, रात को रोटी खानी है, कॉलेज से आ गया था, काहे बनाऊँगा रोटी, कैसे बनेगी। तो मैं पिन लेने गया बाजार, पिन मिलती थी, ऐसे ऐसे करना उसको, उसका वो खुल जाना जिसमें से आवाज आती थी बाहर। तो मैं पिन लेकर वापस आ रहा था जल्दी जल्दी, मुझे क्या लेना दुनिया से। तो एक प्रोफेसर होते थे, सियाने थे, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में थे पहले, मैं भी यहाँ पढ़ता था, तो मुझे वो जानते थे। तो वो जहाँ से ट्रांसफ़र होकर धर्मशाला चले गए थे जब पंजाब बना, तो मेरी भी पोस्टिंग वहाँ से नारनौल से सीधा मैं भी धर्मशाला आ गया, तो हमारी मुलाकात हो गई। तो मुझे देखा, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पहाड़ है ना ऐसे, तो मैं नीचे आ रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो हुकुमचंद जी प्रोफेसर साहब, पता नहीं अब हैं कि नहीं है, मैं नमस्कार करता हूँ उनको, तो वो देख कर ओ कमल दिया बच्चा, मुझे कहते बड़े थे ना, प्यार था, तो कहाँ से मुँह उठा कर दौड़ा हुआ है। मैं कह सर मेरा जो स्टोव का पिन था ना वो टूट गया था, पिन लेकर आया हूँ। और चल पीछे, तेरे वर्ग के मुंडे तो बाजार च कुड़ियाँ देखते फिर दे, तेनू पिन दी पई हुई है। मैं अब उनको क्या कहता, मैं कह सर मैं बाजार नहीं जाता, मैं अपने काम के लिए जाता हूँ। मेरी बात समझ गए, बुजुर्ग था मेरे से शुगल किया उन्होंने, और मैं आ गया।
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं एक बार हमीरपुर या ऊना में बैंक जाना था, उस पर बच्चों को मैंने चेक नहीं दिया, मैं कहा मैं ले आता हूँ पेंशन, तो एक आदमी मुझे मिल गया, वो रिटायर हुआ था होम गार्ड का, क्या होता है हेड होम गार्ड का, ओ बल्ले दूर से, ओ बल्ले 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 कमल साहब कहाँ रहते हो, मैं कहा ऊना में रहता हूँ अपने घर में रहता हूँ, यार बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए, इधर आओ के गप मारे, मैं कहा कौंडल साहब मुझे गप नहीं मारने आते, मुझे गप नहीं आते, क्या गप मारूंगा आपके साथ, मैं तो बैंक जा रहा हूँ भाई पैसे लाने हैं, अपनी सरकार ने पेंशन दी हुई है उन्हें, यार क्या बात हुई आप बड़े निर्मोही हो गए, मैं कह मैं किससे मोह करूं, यहाँ दुनिया में कोई मोह करने वाली चीज़ ही नहीं है, तो वो मेरी बात को कहाँ समझ सकता था, बात समझ गए ना, मैंने कहा अच्छा नमस्कार टाइम हो रहा है, मैं छुट्टी ली चला गया, क्यों क्या जाना, किस लिए बाजार में जाना, क्यों जाना, जाओ तो बाहर जाओ सड़कों पर, दूर से निकल जाओ शहर से, दूर निकलो सेवा, बाहर की दुनिया को देखो, वृक्षों के पास जाओ, वहाँ ठहरो, किसी वृक्ष के साथ बात करो, और पीपल का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ तो बैठ ही जाओ, क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देगा, बात मेरी समझ गए ना, शहर का नहीं तो दूर, मैं तो दूर निकल जाता था, पटियाले में रहा दूर निकल जाना नहर के किनारे किनारे शहर का, ताकि कोई मिले ही नहीं, किससे मिलकर बात करें, कौन सी बात करें, अपने आप से बात करो, बस क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ कबीर साहब निंदा करते हैं, मुझे संगत मिली किसकी, एक सतपुरुष की संगत मिली जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया और मुझे बाहर नहीं अंदर कर दिया, गुरु वो है जो आपको बाहर मुख से अंतर्मुख कर दे, क्योंकि जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घट में है, अंदर है, बुराई भी तुम्हारे अंदर है, अच्छाई भी तुम्हारे अंदर है, देखी भी तुम्हारे अंदर है, बदी भी तुम्हारे अंदर है, अंधकार भी तुम्हारे अंदर है, रोशनी भी तुम्हारे अंदर है, क्या और क्या कहूँ मैं आपको, और शब्द भी तुम्हारे अंदर है, तुम उसको पकड़ते नहीं हो, और वही है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, वही है जिसमें कशिश है, वही है कृष्ण, और कृष्ण कोई नहीं है, क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, तुरना बन गई बीतर बुढ़ा पायान तुलाने। अब ये एक बात सोचने वाली है, अरे इंसान ये समझता है कि मैं ऐसे ही रहूंगा, जवानी में समझता है मुझे बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, कोई बुजुर्ग था काफी बुजुर्ग हो गया तो उसने लठ पकड़ी हुई है तो ऐसे चल रहा है नीचे को देखकर, कुभ पड़ जाते हैं ना, कुभ चंद कुबड़ा हो गया, तो एक नौजवान बड़ा हंसा उसको, बाबा क्या हो गया तुम्हें ऐसे क्यों चल रहे हो नौजवान, तो वो कहता बेटा आजा बताता हूँ क्यों चलता हूँ, मेरी जवानी नीचे गुम हो गई, उसको ढूंढ रहा हूँ, वो वापस नहीं आएगी, बात को पकड़ा आपने, मेरी जवानी गुम हो गई बेटा, तेरे वर्गा था मैं भी, तेरी तरह ही चलता था, लेकिन अब वो गुम हो गई, मैं लठ लेकर उसको नीचे देख रहा हूँ कहाँ चली गई वो, ठीक कह रही है कबीर साहब, हमें नहीं को ये पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए कहाँ जाना है, एक और संत जब चलने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया कि भी इधर आ जाओ मैं जा रहा हूँ, आओ मेरे पास मैं जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारे से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे देखो ढंग से देखो, तो मुंह खोल दिया, कुछ नजर आया महाराज जी, कुछ नजर नहीं आया, मेरे दांत भी नहीं नजर नहीं आए, कहते नहीं महाराज जी दांत तो एक भी नहीं है, ये कब आए थे पता आपको, जब माँ का दूध छूट गया था तब जे आए थे, अब जे चले गए, जाने से पहले चले गए, मुझे वार्निंग आ गई कि अब तुम्हारे दांत भी नहीं रहे,
तुम कमजोर पड़ गए, रोटी खत्म हो गई आपकी, अब रोटी नहीं मिलेगी। अब मॉडर्न साइंस है कि दांत लग जाते हैं अब और बात है, बात समझ गए। लेकिन मन तो नहीं बदलेगा, शरीर तो नहीं बदलेगा, कोई अंग तो नहीं बदलेगा, बदल दो वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले थी। क्या कहा, तो इसकी कदर करो, इसकी कदर करो, इसको ऐसे ही मत बर्बाद होने दो कि जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, जिस संगत में गए वही खा लिया, ये वो बात नहीं है। क्या कहा मैंने, इसलिए कोशिश किया करो अपनी रहनी को बदलो। अगर सत्संग में आए हो, रहनी बदल जाएगी तो खुराक बदल जाएगी, खुराक बदलेगी तो मन भी बदलेगा, मन बदलेगा तो विचार भी बदलेंगे, विचार नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, आप कमज़ोर ख्याल छोड़ दोगे, आप में एक अच्छा विचार आने लग जाएगा। और सत्संग कभी मत छोड़ो, बाकी सभी काम छोड़ दो, सत्संग से बहुत कुछ मिलता है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ पाया अपने सदगुरु की संगत से पाया, मैंने पढ़ा कुछ नहीं क्योंकि मेरा पढ़ना लिखना बंद कर दिया था। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तुरनापन गई बीत, बुढ़ा पाया न तुलाने, कांपन लागे सीसे, चलत दो चरण पिराने। अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा है, और क्या होगा, आगे चलो। नैन नासिका चुवन लागे, मुख ते आवत बासे। पा गया, आंखों से भी पानी, नाक से भी पानी, मुख से भी पानी, देखा नहीं बुजुर्गों को आपने, हो जाता है। मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल हो, मालिक जाने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस तन को ऐसे ही वापस कर दूँ जैसे मुझे मिला था। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उसके हाथ में है, नथ खसम हथ, ये सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन मुझे महसूस हो गया, मुझे सतगुरु का आशीर्वाद है, मुझे पता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मेरा ऐसा विश्वास है। कैसे चले, जैसे मैं लिखा अपनी किताब में लिखा, आई विल एवेपोरेट इन दिस यूनिवर्स। एवेपोरेशन जानते हो, जैसे भाप पानी से उठती है और आकाश में जाकर गुम हो जाती है, ऐसे ही हमारी जो सुरत है ये वापस अपने घर वापस चली जाएगी, शरीर यहाँ रह जाएगा, मन भी यही रह जाएगा। एक बात और कह देता हूँ, इंसान की चार मौत होती है, एक नहीं होती है। नई बात बताने लगा हूँ आपको मैं, एक शरीर है हमारा, ये सब जानते पांच तत्व का है, ये पांच तत्व यहां से आए हैं वापस जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता। गुरबाणी में भी लिखा है, पानी पानी में चला गया, भूमि भूमि में चली गई, और आत्मा हमारी सूरज में जाकर मिल गई, ऐसा एक शब्द है गुरबाणी का, मुझे अब भूल रहा है। और हमारा मन, शरीर तो रहेगा नहीं, ये तो निश्चित है। अब रह गया मन, मन एक ऐसी चीज है जो जल्दी नहीं जाता, जो मरता नहीं है, ये नहीं मरता। क्यों नहीं मरता, क्योंकि इसकी अटैचमेंट होती है, इसका मोह होता है, शरीर का मोह नहीं होता, मन का मोह होता है। किसके साथ, गुरु की देह के साथ, किसके साथ, गुरु के आश्रम के साथ, किसके साथ, अपनी जायदाद के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, बच्चे के साथ, बहू के साथ, या इस संसार के पदार्थों के साथ इसका मोह होता है। क्या कहा मैंने, तो अगर इसका वो मोह खत्म नहीं होगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये रहेगा। मरने के, शरीर के मरने के बाद भी सूक्ष्म रूप में मेरा शरीर रहेगा, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में यह हालत होती जैसी हमारे स्वप्न में होती है। स्वप्न में हम पूर्ण होते हैं ना,
खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं सपने में। तो ये सुपन रूप में हो जाता है और ये जहाँ इसकी लगन होती है वही इसका दोबारा जन्म हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि गुरु ले जाएगा, गुरु कहाँ ले जाएगा, गुरु भी दोबारा जन्म देगा। जहाँ जहाँ मता, जहाँ मती तहाँ गति, अंत मता सो गता। जहाँ तुम्हारा अंत समय समय होगा तुम वहाँ ही जाओगे। ऐसे ही हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है कि अंत समय एक फिल्म चलती है आदमी के आगे, और जहाँ जहाँ उनका मन ठहर जाता है वहीं वो चला जाता है, वहीं जाता है। तो इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द लिखा, मन तू थकत थकत थक जा, तू थक जा, किसी से प्रेम मत कर, किसी से लगाओ मत रख, तू लगाओ रख अपने मालिक से रख, बस इस मन की दुनिया से निकल जाओ, तब जाकर तुम्हारी दूसरी मौत भी हो जाएगी, फिर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। मरने से पहले जो पहले मर जाए वो दोबारा नहीं पैदा होता। क्या मतलब इसका कि मन के पीछे जाना बंद हो गया, मन मर गया तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। मोक्ष है, मोक्ष का मतलब है मोह जमा क्षय, मोह का अंत हो जाना मोक्ष है, क्या कहा मैंने। और फिर रह गई हमारी दो चीजें, आत्मा रह गई। आत्मा क्या है, प्रकाश रूप है, प्रकाश प्रकाश में चला जाएगा, और प्रकाश में गई हुई आत्मा कभी दोबारा जन्म ले सकती है, और उसको कहते हैं जो दोबारा जन्म लेकर आता है प्रकाश में से आता है उसको कहते हैं अवतार, वो पार ब्रह्म से आया। जैसे राम जी को कहा गया कि वो ब्रह्म के अवतार थे, ब्रह्म मीन प्रकाश और कुछ नहीं, पार ब्रह्म पर बड़ा प्रकाश। तो जो बड़े प्रकाश से आते हैं वो अवतार होते हैं, और जो इससे आगे की स्टेज से आते हैं वो संत होते हैं। अवतार प्रकाश से आता है और संत कहाँ से आता है, संत उस धाम से आता है, वो अनाम है, वो अलख है, वो अगम है, वो अनाम है, वो राधा स्वामी धाम है, जहाँ से सारे संसार को उत्पत्ति करने की एक ताकत निकलती है। इसलिए उसको कहा गया बलहारी जाऊं कुदरत बस्या तेरा अंत न जाए लखिया। वो सारी की सारी हस्ती इस कुदरत में काम कर रही है, अंश रूप में काम कर रही है, और अंश रूप में मेरे अंदर है, अंश रूप में आप सबके अंदर है, अंश रूप में सभी जीव जंतुओं में है, अंश रूप में सभी पक्षियों में है, पक्षियों में है, और इवन जड़ी बूटियों में, वृक्षों सब में उनकी एक अंश है। इसलिए कोई भी दुनिया की चीज़ बेजान नहीं है, जो भी उत्पत्ति हुई है, चाहे वो शरीर रूप में है, चाहे वो अंडज है, चाहे जेरज है, चाहे उत्पज है, चाहे श्वेतज है, चार तरह की है। श्वेतज होती अपने आप पैदा होना, उत्पज होती जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाई जाए, अंडज होती जो अंडे से पैदा हो, जेरज होती जो जेर से पैदा हो, बात समझ गए। तो ये चार तरह की हमारी उत्पत्ति है संसार में, उन चारों में उस मालिक की अंश है, लेकिन एवोल्यूशन होता है आगे आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए वो इंसान के रूप में आ जाता है, जो केवल अनामी धाम से आता है, वो कहीं और से नहीं आता। इसलिए मैंने आपको एक नई बात बता दी, इस पर विचार करो कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, हम माल के कुल के अंश हैं, हमें कोई गरीबी नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कुछ है हमारे मन की उत्पत्ति है, क्योंकि हमने अपने आप को उस मालिक की ताकत से अलग कर दिया और हम अलग होकर अपने मन के पीछे कुछ न कुछ बने हुए हैं। इसलिए हमें दुख है, हमें दुख है, और कर्म के अनुसार हमें सुख भी है, यहाँ सुख भी है, दुख भी है, मिलना भी है, बिछड़ना भी है, रोना भी है, हंसना भी है, लेकिन एक स्थान है जहाँ कुछ भी नहीं है, और वो हमारा परम तत्व है, वो हमारा सदगुरु का घर है, जिसका वर्णन हमारे शोक ने पहले शब्द में किया था। जहाँ हित है, परम स्नेह है, वो तो दोनों हाथ फैलाए इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा है,
और वो अपने बच्चे की संभाल हमेशा करता है। आगे चलें। कपित कंठे घेर लियो है, कपित कंठे घेर लियो है, छूटी गई घर की आस। अब क्या है, शरीर को रोग लग गए हैं, कफ लग गया है, बलगम मात्री है, खंस खंस करता है, बुजुर्ग देखा नहीं कईयों का। किनको होता है रोग? ये जिनके आदतें नौजवानी में बिगड़ गई, वो रोग आएंगे आएंगे आएंगे, रुक नहीं सकते। जिनका खाना पीना बिगड़ गया, जिनका रहना बिगड़ गया, जिनकी संगत बिगड़ गई, क्या कहा मैंने? इसलिए आओ अपनी संगत को ठीक करो, बुराइयों से बचने की कोशिश करो और अच्छी संगत में रहो, अच्छी पुस्तकों में रहो, गुरबाणी को सुनो, गुरबाणी को पढ़ो। जो भी जिसको भी तुम मानते हो उसको मालिक समझकर मानो, ये नहीं है कि उसको इंसान मानो तुम लोग। बाकी तो जो कुछ है तुम्हारे अपने घट में है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो इंसान ने बनाया, उसको तो तुम दौड़ कर जाते हो, वहाँ मत्था भी टेकते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, और इंसान के साथ नफरत करते हो, तो बताइए तुम्हारा कल्याण होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ए इंसान, संतों ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया है दुनिया में, इंसान को इंसान की दृष्टि से देखा है, उन्हीं को भी मालिक मिल सकता है। जिन्होंने बाहर प्रेम नहीं किया, वो अंदर प्रेम क्या करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। जिन्होंने बाहर प्रेम किया, वो अंदर भी प्रेम कर सकते हैं। जिन्होंने बाहर में दान दिया, वो अंदर भी दान कर सकते हैं। उनको देने की आदत पड़ जाएगी, लेने की आदत कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? इसलिए संत मत सबसे ऊंचा है, लेकिन दुनिया में इसका अधिकारी कौन है? कोई नहीं। सब पखंड हो गया, नारेबाजी हो गई, आवाज़ें लगती हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ रह गया। सुनता हूँ फिर देखता हूँ कि ये सब मालिक का खेल है, शायद ऐसा ही होना होगा। हमने क्या लेना, हमने तो डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है जिस पर इंसानियत का झंडा है। कोई लहराता है, आ जाए उसके अंदर, जिसका जी चाहे आए उसे अंदर, जिसका जी चाहे ना आए। हम तो इंसानियत का ही कहेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? कोई धर्म बड़ा नहीं है, केवल इंसानियत का ही धर्म बड़ा है, मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है। जो इंसानियत को नहीं समझ पाया, रूहानियत तो उसको मिल नहीं सकती। क्या कहा मैंने? पहले इंसान बनकर आओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर के सभी क्वार खुल जाएंगे, घूंघट के पट खोल तो कॉपी मिलेंगे। हमने तो घूंघट पता नहीं कितने पहने हुए हैं, जातिवाद का घूंघट, धर्म का घूंघट, देश का घूंघट, पार्टी का घूंघट, पिता बनने का घूंघट, पति बनने का घूंघट, ये सब घूंघट ही है और क्या है? वास्तव में है क्या? हम चेतन का बुलबुला है, उसको पहचानो, मत बनो कुछ। बनोगे तो टूट जाओगे, नहीं बनोगे तो वापस जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे चलो। मातु पिता सुत नारी कहो के संग जाई। अब वो ये कह रहे हैं, थोड़ा सा वैराग आ गया कबीर साहब को, कहते कोई संग नहीं जाएगा तुम्हारे, न माता न पिता न बच्चे न नारी, कोई भी संग नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे नफरत करने लग जाओ ये नहीं है। प्यार से रहो, ऐसे रहो जैसे सराय में जाते हैं हम, ऐसे रहो जैसे सफर गाड़ी में करते कर देते ना, आ जाओ भाई साहब बैठो मेरे पास, अहम बैठ जाओ, प्यार से करते ना सफर, वहां तो झगड़ा नहीं होता। गाड़ी में झगड़ा करते हो, जो करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। बस में जगह नहीं माता, आ जा तू बैठ जा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे रहो जिंदगी में, एडजस्ट करो अपने आप को, जिस भी हालत में हो उसमें अपने आप को एडजस्ट करो। ये मत कहो कि ये ठीक नहीं है ये, अरे कहाँ ऐसी बात करते हो,
ये नहीं है, संत मत ऐसा नहीं सिखाता है। संत मत अंदर से वैराग पैदा करता है, बाहर से नहीं। बाहर से वैराग पैदा करोगे कि ये पोता मेरा नहीं, चलो पीछे नो ने रोटी नहीं देनी। क्या कहा मैंने, मेरे पुत्र ने बाबा कहता तू लागे नहीं आना मेरे, ये गलत है, ये रॉन्ग है बात। सब जगह यही कहा जाता है, कोई मैं कहता हूँ सब तुम्हारे हैं, तुम सबके साथ प्यार करो, जब तक हो जिंदगी में माता को माता, पिता को पिता, भाई को भाई, बेटे को बेटा, पत्नी को पत्नी समझकर अपना रोल पैदा पूरा करो। नहीं करोगे तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जो दुनिया में कामयाब नहीं है वो दीन में कामयाब नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, पहले दुनिया में कामयाब हो जाओ फिर दीन में कामयाबी मिल जाएगी। जिसकी दुनिया ही नहीं बनी वो ऐसे बात करता है जैसे कबीर ने कह दिया पे कोई साथ नहीं देगा, चलो छड्डो सारियां भूखे मरोगे, कोई नहीं बात पूछेगा आपके। नो, मैं इस शिक्षा के विरुद्ध में हूँ। कबीर साहब ने किस लेवल में कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझे नहीं कहा। मैं अपने गुरु को मानता हूँ, उनकी वाणी को मानता हूँ। घर में प्रेम से रहो, घर में सुख पैदा करो, घर में शांति पैदा करो, घर में मीठा बोलना सीखो, घर में सहनशील होने की बात करो, घर में क्रोध करना बंद करो, किसी ने बुरा कहा तो उसको सहन करो, तुम्हारे घर में सुख आ जाएगा। जिस घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, वहाँ ना कभी कला ना हो कभी, तो वहाँ सब कुछ आ जाता है। जिस घर में कला है, क्लेश है, दुख है, झगड़े हैं, वहाँ बाहर सतगुरु कहा करते थे, आज न पुत्ती कल न पुत्ती, केसु फुटे तब न पुत्ती, वहाँ कभी खुशी नहीं आएगी। जहाँ झगड़ा है, जहाँ एक दूसरे को देखकर कोई खुश नहीं है, जहाँ इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाते, मेरी बात समझे। मुझे कई दफ़ा ऐसी लड़कियों के टेलीफोन आते हैं, उनका पति नामदान नहीं लिया हुआ, पत्नी ने नामदान लिया हुआ है, घर वाले हनुमान को पूछते हैं, पति की अपनी रहनी है, तो कहते हैं बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे घर वाले तो सुबह घंटियाँ बजाने लग जाते हैं, मैं नाम नहीं जप सकती, मेरा पति तो विश्वास नहीं करता। मैंने कहा ये तुम्हारी गलत सोच है, जा उनको अपने जैसा बना लो, जा आप उन जैसे बन जाओ, घर में सुख हो जाएगा। क्या कहा मैंने, कुर्बानी करो अपने आप को परिवार के सुख के लिए, परिवार की शांति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए। अरे कुछ तो छोड़ो, तुम बैठ गए नाम ले लिया, नाम जपना तुम्हें आता नहीं, नाम की महिमा भी नहीं जाती, लेकिन ये कहते हो कि मैंने वहाँ से नाम लिया, घर वाले ये करते हैं वो करते हैं, मैं बहुत दुखी होती हूँ। मैं नहीं उनको समझा देता हूँ, ये तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा नहीं बेटी, तेरा नाम यही है कि तू घर में प्रेम से सब में प्रेम पैदा कर दे, तेरा यही नामदान है। नाम वो नाम जिसमें तुम्हें पार लगाना है, वो नाम तो कोई कोटन में कहूँ नारायण जिन चेत, वो तो करोड़ों में कोई एक होता है जिनके ऊपर गुरु की दया होती है, उनको मिलता है, सभी उसके अधिकारी नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। मातु पिता सुत नारी कहो का के संग जाई, तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाई। जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। हमारे एक टीचर होते थे, वो हमें पहाड़ा सुनाया करते थे, पहाड़ा पहाड़ा जानते ना, एक दस दह दस, दो दह बीस, तीन दह तीस, चार दह चालीस, कह दस दह दस, दस 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 दूना बी, कर आगे पुरानी बुगानी थी, दस ते ती कर जम गए पुत ती, दस दस चौका चाली, बुढ़ा पै गया गले पजाली पजाली पै जाने, दाहो दस दाहो पंजा पजा, बुढ़ा पै गया राहो राह,
दाहो शिखर सठ बुढ़न फाली लात लठ दाहो सत्या सत्तर तक गया बहत्तर दाहो दाहो उठे अस्सी ते बंदा सब के न तो खत्म क्या दाहो दाह नब्बे बुढ़े नू गढ़ना कोई फब्बे दाहो दाह सौ ते बच्चे कहन बुढ़िया वहां जाके बहो। जे पंजाबी में हमें एक पहाड़ा मेरे टीचर सुनाया करते थे उथे बह जा हूं तू तेन कुछ नहीं पता लगता कबीर साहब यही कहते चलो आगे आखी ताले घसीटी है पड़ी हो जम के फंदे। अब क्या है जम जम होते हैं अंदर से ख्याल पैदा होते हैं जब जितना आदमी बूढ़ा हो जाता है उनमें इतने ख्याल पैदा होते हैं वो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है बैठा ही बोलता रहता है वो जम पैदा हो गए अंदर सोचता है ना बोलता है बोल देखे बूढ़े बोलते ना बोलते हैं चलो आगे आखिर काल घसीटी है पाई हो जम के फंदे बिन सतगुरु नहीं बाकी हो बिन सतगुरु नहीं बाकी हो समुझी देख मत मंद कहते हे मत मंद तू सोच गुरु के बगैर तेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु क्या देता है ज्ञान किस बात का ज्ञान तुम कौन हो हु आर यू कहाँ से आए हो कहाँ जाना है गुरु ये बताता है। कहते तेरी मत मारी गई बुढ़िया तैं कि ख्याल ही नहीं किया अपने जीवन नु ऐसे बर्बाद कर दिया तूने ये कह रहे कबीर साहब फिर पढ़ो आगे दी लाइन आखिर काल घसीटी है पाई हो जम के फंदे बिन सतगुरु नहीं बाकी हो समुझी देख मत मंद आगे सुफल होत यह दे ने सतगुरु से कीजे फिर पढ़ो सुफल होत यह दे ने सतगुरु से कीजे मुक्ति मार्ग जानी चरण सतगुरु चित दीजे अपने चित को सतगुरु के चरणों से लगाओ तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सतगुरु के चरण क्या हैं प्रकाश वो तुम्हारे अंदर है बाहर नहीं दिया जला लिया और घंटी बजा ली वो नहीं अंदर है तुम्हारे प्रकाश वो तुम आत्म स्वरूप हो फिर तुम आगे शब्द स्वरूप हो जाते हो तो तुम्हारा अपने घर वापस चले जाते हो किस कारण से गुरु की कृपा से। जब तक आपको उनका नेह नहीं प्राप्त होता जब तक तुम्हें उनका प्यार प्राप्त नहीं होता जब तक आपके सिर पर उनका हाथ नहीं आता तब तक तुम भटकते रहोगे ये कबीर सब कहते हैं। आगे पढ़ दो नाम जाओ निर्भय रहो तनिक न व्यापे पीरे यह लीला है मुक्ति की गावत दास कबीर सब कहते हैं नाम का सिमरण करो तुम्हें कोई पीर या कोई तकलीफ या कोई दुख या कोई क्लेश नहीं आएगा तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारे विचार बदल जाएंगे तुम्हारी रहनी बदल जाएगी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और जैसी रहनी होगी उसके मुताबिक तुम्हारा आगे कल्याण होगा। तो मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया कबीर साहब की बाणी भी कह दी अपने सतगुरु से जो मैंने प्राप्त किया वो भी आपको बता दिया। अब तुमने चलना है चलो नहीं चलना तुम्हारी मौज मैंने अपनी ड्यूटी कर दी कुछ ना लेना ना देना खुश रहो मेरी शुभकामना आप सबके लिए। मालिक आपको सबसे पहले आपके मन की सोच को बदल दे मेरा सतगुरु कृपा करे तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहे मन भी तुम्हारा तंदुरुस्त रहे तुम्हारे घरों में सुख हो शांति हो प्रेम हो तुम्हें कोई कमी ना रहे और मेरा दाता कृपा करे तुम्हें इस जिंदगी में अपने जीने का राज मिल जाए यही मेरी शुभकामना। सबको प्यार भरी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।